उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक बार तालियों के साथ अखिलेश यादव जी का मंच पर स्वागत करेंगे। आदरणीय अखिलेश जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान जी, उपस्थित संजय सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर डी राजा जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता येचुरी जी, सीताराम येचुरी जी, जब मैं बोल रहा था उस समय जनता दल यूनाइटेड के नेता, आरजेडी के नेता मनोज झा जी, टीएमसी के नेता डेरिक जी और बड़ी संख्या में सभी दलों के नेता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मेरे सामने बैठे हुए तमाम वो लोग जो अन्याय के खिलाफ लड़ने आए हैं, सभी हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता साथी, पत्रकार बंधुओं, इससे पहले भी हम लोग दिल्ली में मिले थे और उस समय भी हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में एक बहुत बड़ी सभा की थी। उस समय भी यही कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा था, केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है, केवल एक संदेश देने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं। उन्हीं ताकतवर लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है, जनता ही सर्वोपरि है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया, और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके ना करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। कम से कम ये संदेश तो बीजेपी को समझना चाहिए कि जनता उनके खिलाफ है, और हमें खुशी इस बात की है आप पार्टी के कार्यकर्ता नेता, अगर उनके नेता जेल भी चले गए हों, लेकिन आप पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे नहीं हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। वो यहां हमारे साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी मंच पर हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा हुआ आज भी उनके साथ खड़ा होकर के उनके रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जहां ये सरकार एक मुख्यमंत्री को जेल भेज चुकी है, यहां हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने ऐसा अन्याय देखा है शायद लोकतंत्र में किसी ने भी अन्याय नहीं देखा होगा। और
राजनीति में हो सकता है हमारी आपकी विचारधारा में कुछ हम कुछ स्वीकार करते हो, आप कुछ स्वीकार करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो जाए। केवल आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब को नहीं जेल भेजा, उनके परिवार के लोगों को भी, उनके तमाम सहयोगी साथियों को भी। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, कुछ दिन वो भी जेल हुआ है, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। इसलिए ना आप पार्टी का कार्यकर्ता डर रहा है, ना हमारे ये समाजवादी लोग डर रहे हैं। अगर हमारा रास्ता लड़ने का ही है, संघर्ष का ही है, तो हम लोग लड़ने और संघर्ष करने का रास्ता स्वीकार करते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को जो चिंता है, जहां कार्यकर्ताओं को चिंता है, उनके परिवार और उनकी पत्नी को चिंता है, उतनी ही चिंता हम सबको है कि उनका स्वास्थ्य देखते हुए और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। हालांकि एक बात मैंने चुनाव से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं, वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। मैंने हालांकि वो कहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने अखबार में भी छाप दिया था, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को झूठा फंसाना नहीं लिखा है, हमारे संविधान में झूठा फंसाना नहीं लिखा है, लेकिन बीजेपी का पता नहीं कौन सा संविधान है जिससे झूठा फंसा देते हैं। न जाने कौन से सेक्शन में ये व्यवस्थाएं बना देते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई, और हम आपका हमेशा साथ देते रहेंगे। आप अच्छे दिन में भी होंगे, दुख तकलीफ में भी होंगे, तो हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आपको इस संघर्ष के लिए बधाई देता हूं, मैं आपके पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौका दिया है आने का। मैं एक बार फिर श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी से कहूंगा कि वो लड़ रही हैं, पत्नी होकर के भी वो लड़ रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हम उनके दुख तकलीफ में उनके साथ हैं और संघर्ष में भी उनके साथ हैं। हमें पूरा भरोसा है उनको न्याय मिलेगा। और अपने यहाँ आए हुए समाजवादियों से भी कहना चाहते हैं कि देर हो सकती, अंधेर नहीं होगी। एक दिन आप देखोगे वो भी बाहर आकर के हम लोगों के साथ बैठे होंगे। इसी आशा के साथ हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन सभी नेताओं को न्याय देगा जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, जिन्हें पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान जी का और संजय जी का और आप पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।